Welcome kids to the fourth day of your maths class. Kids, today we learn the concept of how to round off the large numbers. आपने राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट तो क्लास फोर में किया ही होगा. यू नो वाई वी राउंड ऑफ द नंबर्स. वेन अ नंबर बिकम सो लार्ज कि वी आर नॉट एबल टू गो फॉर इट, तो हम तब उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देते हैं. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मीन्स उसकी नियर बाय वैल्यू देते हैं. सो राउंडिंग ऑफ करना इज़ वेरी ईजी, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. सबसे इंटरेस्टिंग और ईजी टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का. इसमें आपने करना क्या है, ओनली एंड ओनली यू हैव टू रिमेंबर टू रूल्स. रूल वन, जस्ट कीप इट इन माइंड, 0, 1, 2, 3, 4. रूल टू, 5, 6, 7, 8, 9. अब वॉट यू हैव टू डू विद दीज नंबर्स इज, लाइक रूल वन में वी हैव 0, 1, 2, 3, 4. सपोज आई एम, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस नंबर 6, 8, 9, 4, 2, 1. Okay, let it be. This number I'm having, I have to round off the number to nearest tens. मुझे इसको tens की place पर round off करना है. Now what you have to do is, जिस place को आपने round off करना है, सबसे पहले तो उसको लिख, उसको underline कर लो. It's ones, याद है आपको, this is tens. Tens की place को round off करना है तो इसको हम कर लेंगे underline. अब टेन का, tens की place का right side वाला neighbor कौन है? इट्स वंस प्लेस, याद है, वंस की प्लेस इसकी नेबर है राइट साइड की. तो जस्ट पुट अ सर्कल टू द नेबरिंग नंबर, बिकॉज नेबरिंग नंबर हमें हेल्प करेगा अपने एग्जैक्ट नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए. तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होता है कि वी हैव टू फाइंड द नेबरिंग नंबर. Now after finding the neighboring number, what, just let me know what is the neighboring number. It is 1. अगर हमारा numbers 0 से लेकर 4 के बीच में आते हैं तब हमारा we have no change. Now let's have another example. Another number I'm going to take, 5, 2, 6, 8, 9, 4. इस number को मुझे round off करना है to nearest 100. आपको इसको 100 की प्लेस पे राउंड ऑफ करना है. अंडरस्टूड? तो अब आप पहले 100 की प्लेस आइडेंटिफाई कर लो, कौन सी है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड. तो उसको अंडरलाइन कर दो, ये 100 की प्लेस है, इसको अंडरलाइन किया. अब इसके राइट साइड का नेबरिंग नंबर क्या है, 9. तो आप 9 को कर दो सर्कल, बिकॉज नेबरिंग नंबर जब तक हम फाइंड आउट नहीं करेंगे हम इसको राउंड ऑफ नंबर को नहीं कर पाएंगे. तो 9 इज़ योर नेबरिंग नंबर. अब 9 कहाँ आ रहा है, रूल 2 में. दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस 1. तो 8 में होगा प्लस 1, इट विल बिकम 9. तो लेट्स राइट द नंबर, इधर लेफ्ट साइड वाले नंबर्स विल बी सेम, 5, 2, 6, देन 9, एंड 9 के आगे वाले राइट साइड वाले नंबर्स क्या हो जाते हैं, 0, 0. सो माई, दिस इज राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100. सेम वे वील राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 ऑल्सो. एंड अगर हमारे नंबर्स 5 to 9 के बीच में आते हैं देन वी एड 1 to 8. ये याद रखो, 0 to 4 नो चेंज, 5 to 9 प्लस 1. नाउ आर वंस प्लेस, योर नेबरिंग नंबर है दैट इज 1, दैट मीन्स नो चेंज. तो यहाँ पर दैट मीन्स 2 के पास होगा नो चेंज. और जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है उसके आपके राइट साइड वाले जितने भी नंबर्स हैं आगे वाले सब 0 हो जाते हैं. लाइक अब मेरा आंसर क्या होगा, इधर वाले नंबर सेम 6, 8, 9, 4, 2 का 2 ही रहेगा, नो चेंज, और 2 के आगे वाले नंबर्स सारे क्या हो जाएंगे, 0. सो दीज आर द रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द लार्ज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल पोएम. इसको अच्छे से एक बार रीड आउट करो, इट इज़ गिवन विद एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल के थ्रू और पोएम के थ्रू यू विल बी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड द रूल्स.